हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का जितनों ने पेपर दिया है उनका पेपर अच्छा हुआ है, तो आप लोग तैयारी कीजिए फिर भी, और जिनका अच्छा नहीं हुआ वो भी अच्छे से आगे की तैयारी कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी जॉइनिंग नहीं आती किसी का कोई भरोसा नहीं होता। तो भर्ती प्रक्रिया में अब जो एक पेपर रद्द हुआ है उसका एग्ज़ाम डेट 22 जुलाई निकाला है, तो जिनका पेपर 22 जुलाई को वो भी अच्छे से प्रिपरेशन करें। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले अगर बात करूँ राजस्थान जो पुलिस भर्ती परीक्षा है ये क्या कोर्ट में जाएगी, विद्यार्थी मतलब इस प्रक्रिया को अटकाने की काफ़ी कोशिश में लग रहे हैं और काफ़ी विद्यार्थी यह परीक्षा को लेकर असमंजस में इसमें कौन सी एग्ज़ाम डेट को जो कि 22 जुलाई वाले एग्ज़ाम है उसको। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कोर्ट में कैसे जाएगी वो बता देता हूँ। पहले ये बता देते कि लोग असमंजस में कैसे है, क्योंकि जैसे 14 को जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है जिस शिफ्ट का, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब जो एग्ज़ाम फॉर्म तो उसने फिल किया, लेकिन क्या होता है 20-30% लोग नहीं जाते एग्ज़ाम देने। अब वो क्या सोच रहे हैं कि हम भी एग्ज़ाम देने चले जाए, हो सकता है उस दिन वो किसी और एग्ज़ाम दी हो या कहीं ना कहीं बिजी हो उस कारण जा नहीं पाए, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि हम भी एग्ज़ाम देने जाए। तो क्योंकि फॉरम फीस तो उन्होंने भी दी है, ये नहीं कि जो एग्ज़ाम दे के आए उन्होंने दी है, तो अब अगर वो देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, ठीक है। अब उनको ये मौका दिया जाए या नहीं जाए दिया जाए, जिन्होंने उस दिन एग्ज़ाम दी थी वो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ये उन लोगों को ये मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि उस दिन हम ही लोग गए थे, हम ही लोग परेशान हुए हैं, तो हमारा पेपर आउट हुआ है, जो एग्ज़ाम दे के नहीं आया उसका पेपर आउट थोड़ा हुआ है, तो उसको तो अधिकार ही नहीं है ये पेपर देने का, तो पेपर देने का ये अधिकार ही हमारा है। तो अगर उनको मौका दिया जाता है तो उस दिन जिनकी परीक्षा थी वो कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। सेकंड बात आती है जो उस दिन एग्ज़ाम नहीं दी उन लोगों की, वो कह रहे हैं कि फॉर्म फीस हमने भी भरी है, ठीक, अब एग्ज़ाम हो रहा है तो हमें भी ही फ़ायदा मिलना चाहिए। अब जैसे अभी हाईकोर्ट का एग्ज़ाम रद्द हुआ है तो उसमें उन लोगों को क्या वापस पेपर नहीं दिया जाएगा जो एग्ज़ाम नहीं दी उनको? अब जो एग्ज़ाम दी जाएगी वो सभी लोगों को मौका दिया जाएगा, तो इस भर्ती परीक्षा में वो करें हमें भी मौका दिया जाए। तो अगर इनको मौका दिया जाता है तो जो उस दिन 14 की शिफ्ट में जो पेपर दिया है वो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे कि हमारा हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। वो किस तरीके से हो रहा है कि उस दिन हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे तो हमें ही उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से लेकर और जो काफ़ी स्टूडेंट्स ये असमंजस में हैं कि तैयारी कौन से करें, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम दे रही उन लोगों को तो तैयारी करनी है पता ही, जो एग्ज़ाम उस दिन एग्ज़ाम नहीं दी उस स्टूडेंट को उसका अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो परीक्षा में बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा उसका अगर अभी से क्लियर हो जाए तो वो स्टूडेंट उसकी तैयारी करे, अदरवाइज़ नहीं करे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि किसको फ़ायदा मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मैं इसके पक्ष विपक्ष में कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग कमेंट कीजिए उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये क्या इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा सा लेट होने का चांसेज है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन हो गए हैं कोर्ट में ले जाने के, तो आप लोग ध्यान से रहिए, सतर्क रहिए। और जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जो भी आपके पास कोई भी, हर कोई आजकल चलता फिरता है कह देता है कि 2 लाख में पेपर में दे रहा हूँ, उसको तुरंत पकड़िए, भाई रुक 2 मिनट रुक, तेरे से बात करनी, 100 नंबर पे कॉल करो, पुलिस को बुलाओ कि यार तेरे को पेपर मैं बताता हूँ कैसे दिया जाता है। तो अगर ऐसा हर कोई करने लग जाएगा, लेकिन हम क्या सोचते हैं अपने को मिल रहा है दूसरे से क्या मतलब, ईमानदार से लगो, आप भ्रष्टाचार से लगोगे तो फिर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार आप फैलाओगे, ये तो श्योर है। तो ये जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो थी, तो आप तैयारी कीजिए, जो जिसका उस दिन एग्ज़ाम नहीं था वो भी तैयारी करते हो और जिसका था वो तो तैयारी करेगा, तो तैयारी जारी रखिए, तैयारी कभी भी ख़राब नहीं जाती है, आने वाली जो और वैकेंसीज है उनकी भी तैयारी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।